हेलो चिल्ड्रन, आज हम करेंगे हाउ टू नेम एंगल्स। एंगल्स का नाम कैसे लिखा जाता है या फिर एंगल्स का नाम को कैसे रीड किया जाता है। अब यहाँ पे एक 90 डिग्रीज का एंगल है जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल। तो अब यहाँ पे ये एंगल जो है, इधर जो बना है, इसको हमने लिखा है 90 डिग्रीज। अगर इसका नाम देना है हमने तो हम कोई भी इंग्लिश का कैपिटल लेटर से दे सकते हैं, ए टू जेड के अंदर से कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे इसको नाम दे रही हूँ ए बी एंड सी। अब एंगल बी जो हो गया है वो हो गया हमारा 90 डिग्रीज। अब इसके एक और नाम दे सकते हैं ऐसे ए बी सी, जो भी हम एंगल बोल रहे हैं वो बीच में आना चाहिए। तो इस एंगल का नाम एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। एक और एंगल है, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं सी बी ए, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ऐसी सेकेंड है, ये 60 डिग्रीज का एक एंगल है। तो यहाँ पे हमने कोई भी इंग्लिश का कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको मैं लिख सकती हूँ आई जे के। अब जब हम तीन अल्फ़ाबेट यूज़ करके नाम लिखेंगे तो जे जो है बीच में आना चाहिए। अगर सिंगल लिखेंगे तो जे अकेला लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ देखो एंगल जे इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। अगर हमने तीन लेना है तो हम लिखेंगे एंगल आई जे के इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। अगर इस तरफ से लेना है तो एंगल के जे आई इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ये याद रखें कि जे वाला जो अल्फाबेट है वो बीच में आना चाहिए, ये वाला 60 डिग्रीज है। नेक्स्ट इज 120 डिग्रीज, मैं इसको लिख देती हूँ के एम एन। अब यहाँ पे एंगल एम जो है वो 120 डिग्रीज है। ऐसे हम इसको एक और नाम दे सकते हैं तीन अल्फ़ाबेट यूज़ करके, के एम एन इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा एंगल एन एम के इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। लास्ट वाला है, स्ट्रेट एंगल है ये 180 डिग्रीज का। तो इसको मैं नाम दे रही हूँ पी क्यू आर। सो एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, या फिर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, या फिर आर क्यू पी इज 180 डिग्रीज। एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये आप काम अपनी नोटबुक पे भी करेंगे। मैं आपका इसका पिक भी सेंड कर रही हूँ। थैंक यू।